हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को जानकी रावत का पहला प्रणाम। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है। तो सुबह सुबह जब मैं उठ करके बाहर आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि मॉर्निंग के टाइम पर हमारा गांव कैसा दिखता है। और आप देख ही सकते हैं कितनी धुंध पड़ी हुई है, और इन पेड़ों के बीचों में, इन पहाड़ों के बीचों में जो धुंध पड़ी है काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखिए, ये है हमारी छैनी गोट, और यहाँ पर भैंस बंधी हुई है। सुबह सुबह दिन है, सुबह सुबह आई होंगी तो गाय का, भैंसों का दूध दूध निकाल निकल करके इनको बाहर पर बांधा हुआ है। तो ये देखिए, इनको ठंडा नहीं हो रहा शायद। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं ऊपर धार तक जाऊंगी और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, ठीक है। और तो दोस्तों, मतलब आप खुद ही देखिए ना कि अगर हमारे आसपास पेड़ रहें तो मतलब हमको कोई नुकसान नहीं है ना, हमें फ़ायदा ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो यह प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमारी असली माँ के समान ही होती है, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। क्या आपकी माँ आपको कोई नुकसान पहुँचाती है? नहीं ना। तो ऐसी जो प्रकृति है, ये भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि हमारा पालन पोषण ही करती है। तो इसलिए जो है ना, हमें अपने पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर वो एक पेड़ काटे तो चार पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण जो है ना, वो बैलेंस में बना रहे।